हेलो दोस्तों, आज हम कलरफुल रंग बिरंगा ग्रैनी स्क्वायर बनाना सीखेंगे क्रोशिया से, जिसका इस्तेमाल आप अपने प्रोजेक्ट में कई तरीकों से कर सकते हैं। फरिश्ता क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने चार अलग अलग रंग के ऊन के गोले लिए हैं। यहाँ मैंने वर्धमान बेबी सॉफ्ट का एक नया गोला लिया है और तीन यार्न मैंने इस्तेमाल किए हुए हैं अगले जो भी प्रोजेक्ट बनाया है उसमें। तो आप भी इस प्रकार से अपने बचे हुए ऊन के गोलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने पोनी का क्रोशिया हुक लिया है 3 mm का। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से रंग बिरंगा एक ग्रैनी स्क्वायर बनेगा इन धागों का यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम पीले रंग का यूज करेंगे। पीले रंग के धागे को लेते हुए सबसे पहले, जैसा आपको पता है, मैं अपने एक बॉल है मेरा डूम शेप, उसमें रखती हूँ और फिर अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले पीले रंग का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर इसको तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर में और मिडल फिंगर में इस प्रकार लेंगे और एक स्लिप नॉट बना लेंगे। अब हम उंगली में इस प्रकार से धागे को लपेटेंगे और जो हमने ये स्लिप नॉट बनाई है उसको क्रोशे हुक में रखते हुए यहाँ हम 5 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, ये 5। अब हम सबसे पहले वाली चेन में जाएंगे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस प्रकार। ये एक होल बन गया, सर्कल बन गया, मैजिक सर्कल आपका। अब इसमें हम काम करेंगे, 3 चेन बनाएंगे। सबसे पहले ये जो धागा बचा हुआ है इसको आप साथ लेके चले। अब यार्न ओवर करेंगे, क्रोशिये में धागे का बल देंगे और मैजिक सर्कल में से इस प्रकार से क्रोशिये हुक को निकालेंगे और धागे का बल देते हुए दो दो लूप्स में से हुक को निकाल लेंगे। तो ये आपका एक डबल क्रोशिया बन गया। अब एक और डबल क्रोशिया बनाना है, तो जो आपने चेन बनाई है वो एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इस प्रकार आपके 3 डबल क्रोशिया गिने जाएंगे। 2 बार चेन बनाएंगे यहाँ और फिर सर्कल में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया, ये 2रा डबल क्रोशिया, ये 3रा डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाएंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे, क्रोशिये में धागे का बल देंगे और सर्कल में 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। यार्न ओवर को धागे का बल देना कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उसको यार्न ओवर बोलते हैं। तो इस प्रकार 3 बार डबल क्रोशिया बना के फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर आखिरी बार 3 बार डबल क्रोशिया सर्कल में और बना लेंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2रा डबल क्रोशिया और ये 3रा डबल क्रोशिया। अब चेन बनाएंगे 2 और जो सबसे पहले वाली चेन थी उसके 3री चेन में जाके क्रोशिया हुक को इस प्रकार से लेंगे और एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो ये आपके 4 कॉर्नर बन गए यहाँ पर, जो आपने 2 चेन बनाई है वो। तो एक बार स्लिप स्टिच करेंगे आगे वाली स्टिच में, नीचे वाली में एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे कॉर्नर में और कॉर्नर में फिर हम 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। 3 चेन बनाने के बाद, ये आपका एक डबल क्रोशिया काउंट होगी चेन। 3 चेन बनाने के बाद अब ये देखिए ध्यान से, 2 बार मैंने क्रोशिया हुक में धागे को लपेटा है और इस प्रकार से क्रोशिया हुक का मूव करते हुए मैंने 2-2 के पेयर में यार्न ओवर करते हुए लूप्स को निकाला है 3 बार और फिर एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे सेम कॉर्नर में। ध्यान से देखें फ्रेंड्स, वही चीज रिपीट करेंगे। अब हम एक चेन आपका एक डबल क्रोशिया माना जाएगा, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, फिर एक डबल क्रोशिया। अब 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे उसी कॉर्नर में, फिर 2 बार धागे का बल देंगे क्रोशिया हुक में, क्रोशिया हुक को इस प्रकार ले जाएंगे और धागे को आगे से खींचते हुए हम 2-2 के जोड़े में लूप्स को निकालेंगे 3 बार। फिर सेम
कॉर्नर में हमें एक डबल क्रोशिया और बना लेना है। तो ये आपका कॉर्नर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दो चेन, एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया। अब हम तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद फिर से कॉर्नर में कॉर्नर बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया करना है, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, दो बार धागे का बल देना है क्रोशिया हुक में, धागे को इस प्रकार लेना है और क्रोशिया हुक को पीछे से निकालना है और दो दो के पेयर में तीन बार क्रोशिया हुक को लूप्स में निकालना है। फिर एक बार डबल क्रोशिया करना है, फिर दो चेन बनानी है और फिर से सेम कॉर्नर में हमें एक बार डबल क्रोशिया, एक बार ट्रिपल क्रोशिया, एक बार डबल क्रोशिया को रिपीट करना है, दोहराना है। हर कॉर्नर में हमको यही क्रम रखना है और जो हमारा नेक्स्ट कॉर्नर है उसमें हमें दो चेन बनाते हुए जाना है और उसको फिर से इस प्रकार से बनाना है। तो चार कॉर्नर आपके इस प्रकार से यहाँ पर आपको कंप्लीट करने हैं। तो आखिरी कॉर्नर को मैं कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ पर। एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, फिर उसी में एक बार डबल क्रोशिया, ये ट्रिपल क्रोशिया और फिर एक डबल क्रोशिया उसी में करते हुए यहाँ हम अपने चौथे कॉर्नर को भी भर लेते हैं। अब हम यहाँ तीन चेन बनाएंगे और सबसे पहले वाली चेन की तीसरी चेन में जाके हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करके एक चेन बना लेंगे और बाकी बचे हुए धागे को यहाँ हम कैंची से कट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका कॉर्नर बनेगा। ये आपका बीच का भाग। तो कैंची से यहाँ पर बाकी बचे धागे को हम कट कर देंगे। अब हमारा पीले रंग का यहाँ पर काम खत्म होता है। यहाँ मैं नया वाला अपना ऊन का गोला ले रही हूँ, डार्क पिंक कलर का। इसको इस प्रकार से हम अपने काम में रखेंगे। जो हमारा कॉर्नर बना है इस प्रकार हम कॉर्नर को आगे की साइड रखेंगे और जो हमारा पिंक कलर का यार्न है उसको पीछे से आगे की ओर लाके एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस प्रकार। तो ये एक चेन बन गई, दो चेन और बनाएंगे, तीन चेन बनी कुल, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा तीन चेन आपका। तो ये हम कॉर्नर में बना रहे हैं, जो हमने दो चेन का कॉर्नर बनाया है, स्पेस बनाया है उसमें। अब देखिए ये जो आपको वी दिखाई दे रहा है, अब आपने इसमें जाना है और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। दो बार धागे का बल देना है हुक में और दो दो के पेयर में तीन बार क्रोशिया हुक से लूप्स में निकालना है। फिर से एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे कॉर्नर में, जैसा हमने पहले बनाया है। दो चेन बनाएंगे और फिर इस क्रम को दोहराएंगे। एक डबल क्रोशिया फिर से कॉर्नर में बनाएंगे, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, दो बार धागे का बल देंगे हुक में और इस प्रकार से क्रोशिया हुक को रखना है वी शेप में और धागे को आगे की ओर लाके इस प्रकार से हम दो दो के पेयर में धागे को निकाल लेंगे। ये करते हुए हमें एक बार और डबल क्रोशिया सेम में बना लेना है। फिर यहाँ पर दो चेन बनानी है। तो ये कॉर्नर आपका इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। दो चेन बनाने के बाद जो आगे आपका थ्री चेन स्पेस था, तीन चेन की जो खाली जगह है उसका भराव करना है आपको। एक बार डबल क्रोशिया बनाना है उसमें। और अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखें आप, जो आपने सबसे शुरुआत में तीन डबल क्रोशिया बनाए थे उसके बीच वाले डबल क्रोशिया में आपको अब काम करना है। इस प्रकार से यार्न ओवर करेंगे दो बार क्रोशिया हुक में और जो बीच वाला आपका सबसे पहले वाला डबल क्रोशिया है बीच वाला, उसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दो दो के पेयर में तीन बार लूप्स को इस प्रकार निकालेंगे और फिर सेम चेन स्पेस में ही एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया हमने चेन स्पेस का भराव किया करते हुए। अब दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और कॉर्नर में कॉर्नर बनाएंगे।
वही क्रम करेंगे। एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले कॉर्नर में, फिर दो बार धागे का बल देंगे हुक में और इस प्रकार हम क्रोशिया हुक को रखेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। दो दो के पेयर में हुक को निकालते हुए, लूप्स को निकालते हुए, फिर एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे कॉर्नर में और फिर दो चेन बनाते हुए फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब एक ट्रिपल क्रोशिया, दो बार क्रोशिया हुक में धागे का बल देके ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम कॉर्नर में। तो फ्रेंड्स, इसी को आपको आगे रिपीट करना है, कॉर्नर में कॉर्नर बनाना है और जो सबसे पहले आपने तीन डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें बीच वाले डबल क्रोशिया में एक फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। तो आखिरी में आके फ्रेंड्स, सबसे पहली वाली चेन में आपको क्रोशिया हुक को ले जाना है और इस प्रकार से एक स्लिप स्टिच बना के चेन बना लेनी है और बाकी बचे हुए धागे को हम यहाँ काट देंगे। तो ये आपके चार कॉर्नर बने और बीच में आपका एक ऐसा ट्रिपल क्रोशिया बनेगा चार बार चारों कॉर्नर में। तो यहाँ पर हम धागे को कट कर देते हैं। अब हमारा पिंक कलर का यहाँ पर काम नहीं है, अब हमें लगाना है आसमानी कलर, लाइट ब्लू कलर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लाइट ब्लू कलर को लेते हुए उसको इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली में इस प्रकार लपेट लेंगे और जो हमारा काम है उसका एक कोई भी कॉर्नर ले लेंगे और किसी एक कॉर्नर में हम क्रोशे हुक को इस प्रकार एंटर करेंगे और पीछे से हम आसमानी कलर, लाइट ब्लू कलर के धागे को आगे की ओर लाएंगे और इसको ऐसे दोहरा कर लेंगे जिससे ये मजबूत हो जाएगा और एक चेन बना लेंगे और दो चेन और बनाएंगे। तो ये आपकी जो तीन चेन बनेंगी ये आपका एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर धागे में दो बार क्रोशिया हुक को लपेटेंगे और इस प्रकार वी में से निकालते हुए एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। दो दो के पेयर में लूप्स को निकालते हुए तीन बार और फिर एक बार और सेम चेन स्पेस में कॉर्नर में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जिससे आपका एक वी बन जाएगा। फिर दो बार धागे का बल देंगे क्रोशिया हुक में और वी में से ऐसे निकालेंगे और यार्न ओवर करते हुए पहले आगे के दो लूप्स में से पास करेंगे क्रोशिया हुक को, फिर बीच के, फिर लास्ट के, फिर आखिरी बार और कॉर्नर में डबल क्रोशिया बना लेंगे जिससे आपका यहाँ पर एक फिरोजी रंग का, लाइट ब्लू कलर का कॉर्नर तैयार हो जाएगा। तो ये कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बन गया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर दो चेन बनाएंगे और जो नीचे वाला पिंक कलर है, गुलाबी रंग है, उसका जो चेन स्पेस है उसमें जाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन स्पेस में। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से देखना है आपको, जो आपने पीला वाला ट्रिपल क्रोशिया बनाया है उसमें इस प्रकार से धागे को लेंगे और दो दो के पेयर में लूप्स में से क्रोशिया हुक को निकाल लेंगे। तो ये फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया आपका बनेगा, ट्रिपल मीन्स तीन बार। फिर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए दो चेन बनानी है और अगले चेन स्पेस में जाके फिर एक डबल क्रोशिया बना लेना है और फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए दो बार क्रोशिया हुक में धागे का बल देके पीले वाला जो ट्रिपल क्रोशिया है उसमें इस प्रकार आगे की ओर से क्रोशिया हुक को लेते हुए एक फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। फ्रंट मीन्स आगे की ओर, ट्रिपल क्रोशिया तीन बार बना लेना है और सेम चेन स्पेस में एक बार और डबल क्रोशिया करना है। मेथड वही रहेगा, एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया,
फिर देखिए कॉर्नर में जिस प्रकार हम कॉर्नर बनाते आए हैं उस प्रकार से कॉर्नर बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया वी में बनाएंगे जिस प्रकार हमने नीचे बनाया था पिंक रंग से। दो बार धागे का बल देंगे क्रोशिया हुक में और वी में इस प्रकार से क्रोशिया हुक को रखना है और धागे को खींचते हुए दो दो के पेयर में लूप्स को निकालना है तीन बार और फिर एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर दो चेन बनानी है और फिर सेम कॉर्नर में एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर दो बार धागे का बल देते हुए क्रोशिया हुक में फिर से वी में एक बार और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सेम कॉर्नर में एक आखिरी बार डबल क्रोशिया बना लेंगे जिससे यहाँ कॉर्नर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको पूरे में रिपीट करना है, दोहराना है। फिरोजी कलर से ऐसे दो आपके चेन स्पेस कवर होंगे। आखिरी में दो चेन बनाते हुए सबसे पहले वाली चेन के तीसरी चेन में जाके हमें इस प्रकार से स्लिप स्टिच करके एक चेन बना लेनी है। अब आपको ग्रैनी स्क्वायर में पैटर्न दिखाई देगा। अब हम डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे। कैंची से धागे को कट कर देंगे। यहाँ पर हमारा फिरोजी रंग के धागे का इस्तेमाल खत्म होता है। अब हम डार्क ब्लू कलर को लेंगे और इस प्रकार से उसको फिंगर में लपेटेंगे, काम को आगे की ओर रखेंगे, किसी भी एक कॉर्नर में जाएंगे और क्रोशिया हुक को इस प्रकार कॉर्नर में से एंटर कराते हुए पीछे से धागे को आगे की ओर लाएंगे और धागे को हम डबल करेंगे। यहाँ जो टेल यार्न है उसको इस प्रकार से रखेंगे और एक चेन बना लेंगे और दो चेन और बनाएंगे। तो ये तीन चेन जो आपकी बनेंगी एक डबल क्रोशिया काउंट होगा आपका। अब क्रोशिया हुक में दो बार धागे का बल देंगे और कॉर्नर में जो वी बना हुआ है उसमें जाते हुए एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। इस प्रकार से क्रोशिया हुक को निकालना है और आगे से धागे को लेना है और धागे का बल देते हुए दो दो के पेयर में हमें क्रोशिया हुक को पास कराना है तीन बार। अब एक बार और कॉर्नर में डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर दो चेन बनानी है और फिर एक बार डबल क्रोशिया। और फिर दो बार धागे का बल देके क्रोशिया हुक में वी में जाते हुए एक बार ट्रिपल क्रोशिया और बनाना है और फिर आखिरी बार कॉर्नर में एक डबल क्रोशिया करते हुए कॉर्नर को कंप्लीट करना है। इस प्रकार से कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर बन गया आपका। अब दो बार चेन बनाएंगे यहां पर और जो आपका चेन स्पेस है अब हम उसमें काम करेंगे। ये जो चेन स्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स अब हम इसमें काम करेंगे। एक एक चेन स्पेस यहां पर बढ़ता जाएगा। एक बार धागे का बल देंगे क्रोशिया हुक में और यहां पर डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन स्पेस में। अब दो बार धागे का बल देके जो हमारा पिंक कलर का हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था उसमें इस प्रकार से क्रोशिया हुक को लेना है और उसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है और उसी चेन स्पेस में एक बार और डबल क्रोशिया कर देना है। तो एक डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया अपने कॉर्नर पे बनाया। फिर दो चेन बनानी है और फिर नेक्स्ट अगले चेन स्पेस में जाके एक बार डबल क्रोशिया, फिर दो बार धागे का बल देंगे क्रोशिया हुक में और जो पिंक कलर का आपने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है उसको इस प्रकार से हम आगे की ओर से लेंगे फ्रंट पोस्ट करते हुए। फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ और सेम चेन स्पेस में एक बार और डबल क्रोशिया कर देंगे।
तो ये आपके चेन स्पेस का भराव हो गया। दो चेन बनाएंगे और अगली चेन स्पेस को इस प्रकार से भरेंगे। फिर एक डबल क्रोशिया, दो बार धागे का बल देके पिंक वाले ट्रिपल क्रोशिया को आगे की ओर से लेते हुए एक फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ, और फिर सेम चेन स्पेस में एक बार और डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर दो चेन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, कॉर्नर के ऊपर फिर कॉर्नर बनाना है आपको। है ना फ्रेंड्स, कितना आसान। थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखें और पूरे राउंड को इस प्रकार से दोहराते जाएं उनको ध्यान में रखते हुए। बिगनर्स इसको आसानी से बना सकते हैं। इसका यूज आप कई तरीके से कर सकते हैं। कोस्टर्स के रूप में कर सकते हैं और इसको जोड़ के आप ग्रैनी स्क्वायर्स को ज्वाइंट करके आप सेल पाउच भी बना सकते हैं, स्पेक्टिकल्स का पाउच भी बना सकते हैं, स्पेक्स पाउच बना सकते हैं, स्मॉल बैग बना सकते हैं, और भी कई तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें डार्क ब्लू कलर से पूरे राउंड को बचे हुए काम को पूरा करना है। हर चेन स्पेस को भरते जाना है और कॉर्नर में कॉर्नर बना लेना है। है ना कितना इंटरेस्टिंग डिजाइन। अब लास्ट में हम दो चेन बनाएंगे और सबसे पहले वाली चेन में जाएंगे, तीसरी वाली जो चेन है पहली चेन, उसमें जाके एक स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन बनाएंगे और लूप को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और कैंची से यहाँ पर धागे को कट कर देंगे और चेन को थोड़ा सा सिक्योर कर लेंगे इस प्रकार खींचते हुए। तो फ्रेंड्स देखिए, इस प्रकार से अब इसका लुक आपको नजर आएगा। तो यहाँ जो बना के रखा है मैंने स्क्वायर, उसको अगर हम देखते हैं तो ये इस प्रकार से लगेगा। तो अब यहाँ पीले रंग का इस्तेमाल करेंगे जो हमने सबसे पहले किया था, उसको फिंगर में इस प्रकार से लपेटेंगे और काम को आगे की ओर रखेंगे। कॉर्नर को कॉर्नर में इस प्रकार क्रोशिया हुक लेंगे और जो हम नया धागा लगा रहे हैं पीले रंग का, उसको पीछे से आगे की ओर लाएंगे और उसको डबल कर लेंगे टेल यार्न को, और इस प्रकार एक चेन बना लेंगे। दो चेन और बनाएंगे तो ये तीन चेन आपका एक डबल क्रोशिया गिना जाएगा। अब कॉर्नर में कॉर्नर बनाएंगे, दो बार धागे का बल देते हुए वी में जाएंगे और इस प्रकार से क्रोशिया हुक को लेते हुए दो दो के पेयर में लूप्स में से निकालेंगे यार्न ओवर करते हुए। यार्न ओवर का मतलब क्रोशिया हुक में धागे का बल देना होता है। फिर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे कॉर्नर में। फिर दो चेन बनाएंगे, फिर एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे कॉर्नर में, फिर एक ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, दो बार धागे का बल देंगे और क्रोशिया हुक को बी में से इस प्रकार निकाल लेंगे और यहाँ पर दो दो के पेयर में तीन बार लूप्स में से क्रोशिया हुक को निकालना है। फिर आखिरी बार कॉर्नर में एक बार और डबल क्रोशिया बना लेना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, एक चेन बनेगी यहाँ। अभी तक आप दो चेन बनाते आए थे लेकिन अब यहाँ एक चेन बनेगी और फिर चेन स्पेस में जाके आपको वही दोहराना है, एक डबल क्रोशिया, दो बार धागे का बल देके ट्रिपल क्रोशिया। अब जो ट्रिपल क्रोशिया आप करेंगे वो फिरोजी रंग में लाइट ब्लू कलर के अंदर से लेते हुए आपको करना है फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया, और फिर सेम चेन स्पेस में एक बार और डबल क्रोशिया कर देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर आगे जो चेन स्पेस है उसमें आप एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो बार धागे का बल देते हुए फिरोजी रंग में इस प्रकार आगे से आपको एक ट्रिपल क्रोशिया करना है जिसे फ्रंट पोस्ट ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार करते हुए आगे के चेन स्पेस का भराव करते जाएं और राउंड को कंप्लीट करिए। आप अपने मनपसंद के कोई भी चार रंग को लीजिए और ग्रैनी स्क्वायर को बनाने में उसे यूज कीजिए। बहुत आसान है, इसको बिगनर्स आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही इजी स्टिचेस का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, बहुत सरल स्टिचेस हैं। ये सब बेसिक स्टिचेस हैं जिनका वीडियो मैं आप सबके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं प्लेलिस्ट के जरिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
जिसे बिगनर्स इसे आसानी से बना पाएंगे। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर पूरे स्क्वायर को कवर करना है करते हुए। लास्ट में हमें एक चेन बनानी है और जो सबसे पहली चेन बनाई थी उसकी सबसे तीसरी वाली चेन में जाते हुए हमें एक स्लिप स्टिच कर देनी है और एक चेन बना के हमें यहाँ पर लूप को थोड़ा सा लंबा खींच के कैंची से कट कर देना है और जो बाकी बचा हुआ धागा है उसको हम अपने काम के पिछले भाग में क्रोशे हुक की मदद से एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों आशा करती हूँ YouTube चैनल पे आपने फरिश्ता क्राफ्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और साइड में बेल आइकन भी दबा दिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी करा करें और वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करा करें, जिससे मुझे बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ये फ्रेंड्स पीछे का साइड और ये आगे का साइड। ये मैंने एक और क्रोशिया स्क्वायर बना के रखा है यहाँ पर, एक मैंने सिखाते हुए बनाया और एक मैंने बना के रखा था, तो मेरे पास यहाँ पर दो ग्रैनी स्क्वायर तैयार हो गए। इसका इस्तेमाल करते हुए आगे के वीडियो में हम इसको जोड़ना सिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फरिश्ता क्राफ्ट एंड हैप्पी क्रोचेटिंग। अपना बहुत ध्यान रखिए।